मैं आज बताने जा रहा हूँ किस तरीके से आप कंप्यूटर को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो गाइज़ इस वीडियो में आप बने रहिए एंड मेरी वीडियो को पहली बार आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड गाइज़ इसमें मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से कंप्यूटर को ऑन और शट डाउन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। वीडियो में आपको सबसे पहले पावर ऑन करनी है और फिर आपको पावर ऑन करने के बाद आपके CPU का ये बटन होता है यहाँ पे, तो उसे ऑन करना है आपको। तो इसमें लाइट जलेगी, तो इस तरीके से आपको CPU का बटन ऑन करना है जो कि लाइट जल जाएगी। और फिर नेक्स्ट आपको अपने मॉनिटर के पास जाना है। ये मॉनिटर स्क्रीन होती है जिसमें आपको नीचे की साइड एक बटन दिखाई देगा आपको यहाँ सबसे नीचे, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक बटन होता है। इस फोन करते ही यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट जल जाएगी। तो ये मेरा मॉनिटर स्टार्ट हो रहा है, तो ये कुछ टाइम थोड़ा लोडिंग लेगा स्टार्ट होने में, तो ये विंडो ऑन हो जाएगी। तो ये लोडिंग हो रही है अभी, तकरीबन 2 मिनट लगते हैं फ्रेंड्स इसको दोबारा से रिस्टार्ट होने के लिए। तो ये 2 मिनट तक अपने अभी ये धीरे धीरे स्टार्ट होगा जिससे विंडो ऑन हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स विंडो ऑन हो जाती है, तो स्टार्टिंग विंडो ये लिखा आ रहा है, तो अब विंडो स्टार्ट हो रही है। तो देखिए स्टार्टिंग विंडो होने के बाद ये वेलकम लिखाता है और थोड़ा सा घूमता है और फिर विंडो ऑन हो जाती है। तो फ्रेंड्स हमारी स्क्रीन ऑन हो चुकी है। और फिर आप ये कीबोर्ड एंड ये माउस, आप जैसी स्क्रीन हो डायरेक्टली कोई ऐप ऑन मत करिए, आप पहले थोड़े टाइम उसको रिफ़्रेश मारिए। तो आप इसको रिफ़्रेश मारते रहिएगा जिससे कि ऑन करने से बाद इसको 5-6 बार रिफ़्रेश जरूर करिएगा इस। तो ये रिफ़्रेश हमारा आ गया, तो इसमें हम रिफ़्रेश पे क्लिक करेंगे। हमें ऐसे 5 बार करना है। माउस का जो होता है राइट साइड से करना होता है माउस का। एंड फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया इस स्क्रीन ऑन होती है और आप इसके थ्रू कुछ भी ऑन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्रोम पे जाके और अभी यूट्यूब ऑन करता हूँ या कुछ भी ऑन करता हूँ डबल क्लिक करने पे, देखिए क्रोम हमारा ऑन हो गया। इसमें मैं अपना कुछ यूट्यूब ऑन करता हूँ, जैसे ये यूट्यूब ऑन करा और ये यूट्यूब के उस पर जाके एंड नेक्स्ट में यहाँ से यूट्यूब, ये मेरा यूट्यूब ऑन हो चुका है एंड नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स अब मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से शट डाउन करना है। तो शट डाउन करना भी बहुत ईजी है गाइज़। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपको सबसे पहले कोने में जाना है। ये आपको दिखेगा यहाँ पे कि स्टार्ट ये वाला जो 4 कलर का होता है, तो आपको इस पर प्रेस करना है एंड यहाँ पे आ जाएंगे आप के सामने ये सब खुल जाए। तो गाइज़ यहाँ पे आप देखिए आपको यहाँ शट डाउन लिखाई देगा, तो ये शट डाउन पे आपको क्लिक करना है और ये कंप्यूटर ऑटोमेटिकली शट डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी ऐसे करके ही अपने आप ही शट डाउन स्टार्ट हो जाएगा इसका। तो देखिए ये शटिंग डाउन होने लग गया, जो लिखा है शटिंग डाउन विंडोज 7 प्रोफेशनल, तो ये शट डाउन हो गया। तो गाइस देखिए कितना ईजी काम था, ये ओनली 1 मिनट लगता है इसे शट डाउन होने में भी और ऑन होने में भी। तो गाइस मतलब मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक करना एंड अच्छी लगे तो वीडियो शेयर भी जरूर करना। गुड बाय, फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।